So today we are going to start our new chapter for class 12 economics, that is market mechanism chapter number 6. देखो ये chapter one of the most important chapter है और इसमें से आप board में एक 6 marks का question हमेशा expect कर सकते हैं। ये एक ऐसा लौता chapter है जहां पे पूरे के पूरे जो questions होते हैं वो graphical based होंगे और पूरे के पूरे जो answers होंगे आपको अपने knowledge पे लिखना है। कोई ऐसा नहीं कि book से रट्टा मारना है और लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये 5 क्लासेस या 6 क्लासेस में करवाऊंगा, हर एक फेज में मैं एक एक चीज समझाते चलूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको क्या क्या सीखना था। आज जो चीज मैं सिखाने जा रहा हूं वो 3 वर्ड्स के ऊपर बात हो रही है। पहला कि इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो इक्विलिब्रियम वर्ड मतलब इक्वल से ही आया है, इक्वालिटी। तो यहाँ पे 2 फोर्सेस के बारे में बात होता है, एक होता है डिमांड और एक सप्लाई, फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। एज ए कंज्यूमर हम लोग हमेशा क्या चाहते हैं, हम लोग मैक्सिमम क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं विद आवर लिमिटेड इनकम। हम चाहते हैं कम से कम दाम में अच्छी से अच्छी चीजें मिले। और सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, ज्यादा से ज्यादा ऊंचा दाम मिले ताकि हम ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकें। तो ये दोनों फोर्सेज हैं, ऑपोजिट डिरेक्शन में मूव करते हैं। एक फोर्स चाहता है कि प्राइस कम हो, क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे। एक फोर्स ये सोचता है प्राइस जितना ज्यादा होगा उतना क्वांटिटी हम ऑफर करेंगे ताकि ज्यादा प्रॉफिट हम कमा सके। तो इनमें कैसे हम इक्वलिटी लेकर आएंगे, उसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। कि इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड है वही क्वांटिटी सप्लाइड है, मतलब जितना क्वांटिटी हम बेचना चाहते हैं उतना ही कस्टमर खरीदना चाहता है। अगर उस क्वांटिटी को हम ढूंढ ले, उस पोजीशन को ढूंढ ले, उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। कई बार स्टेट ऑफ रेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वहां से ना तो प्रोड्यूसर मूव करना चाहता है ना कंज्यूमर। प्रोड्यूसर को ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है और कंज्यूमर को कभी ये नहीं लगता है कि वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, मींस ओवरचार्ज्ड हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम वर्ड का ही मतलब है जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इक्वल रहेंगे। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस की। इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब ऐसा प्राइस जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड बराबर है, मींस ऐसा प्राइस जो कस्टमर पे करना चाहता है फॉर द परचेजिंग ऑफ गुड्स, और ऐसा प्राइस जो सेलर एक्सेप्ट करना चाहता है फॉर सेलिंग गुड्स। मतलब उनको लग रहा है कि ये प्राइस उनको कम नहीं मिल रहा है, कस्टमर को ये नहीं लग रहा है कि उनसे ज्यादा प्राइस लिया जा रहा है। बोथ द पार्टीज आर सेटिस्फाइड एट द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब हुआ वो प्राइस जहां पे जो कस्टमर खरीदना चाहता है वही क्वांटिटी सेलर बेचना चाहता है। तो जो क्वांटिटी खरीदा और बेचा जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस पर, उस क्वांटिटी का नाम हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब इन तीनों को मैं ग्राफिकली आपको दिखाऊंगा कैसे हम एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की चीजों को समझते हैं मार्केट में। देखो यूं तो ये जो पोर्शन है इसमें से क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, लेकिन आगे चल के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको समझने के लिए आपको ये ग्राफ सीखना बहुत जरूरी है। देखो बड़ा सिंपल सा चीज है, ये वाई एक्सिस है जहां पे हम प्राइस हमेशा मेजर करते हैं और एक्स एक्सिस में हमेशा क्वांटिटी। ठीक है, अब क्वांटिटी के साथ मैंने डिमांडेड और सप्लाइड वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि दोनों ही चीज यहां मेजर करेंगे और हम जानते हैं डिमांड हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। क्योंकि कस्टमर के व्यू से जितना प्राइस ऊपर होगा डिमांड उतना कम होगा, प्राइस जितना नीचे होगा क्वांटिटी उतना ज्यादा होगा। तो देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी, दैट्स व्हाई डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। नाउ सप्लाई कर्व इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ डिरेक्ट रिलेशनशिप और द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी। क्योंकि सेलर क्या सोचता है, जितना प्राइस ऊपर भागेगा उतना ज्यादा क्वांटिटी बेचेंगे, जितना प्राइस नीचे रहेगा उतना कम ऑफर करेंगे। बोथ द कर्व, जो कर्व है दोनों डीडी एंड एसएस इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ई पर, और ये ई पॉइंट आपको 2 चीजें प्रोवाइड करता है, दैट इज ओपी द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओ क्यू द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मीन्स बोथ द बायर एंड द सेलर आर रेडी टू ऑफर एंड गेट दिस प्राइस एंड दे बोथ आर विलिंग टू बाई एंड सेल ओ क्यू क्वांटिटी। अब बात थोड़ी सी मैं डिमांड और सप्लाई के प्रोस्पेक्ट से करता हूं।
सपोज करो मार्केट में पी प्राइस प्रिवेल नहीं कर रहा है, मार्केट में प्राइस चल रहा है पी वन। हम आ गए पी वन पे। पी वन पे आने से क्या हुआ सर, जब हम पी वन पे पहुंचे तो हमने देखा कि मार्केट में लोग कितना डिमांड कर रहे हैं। सोचो मैंने इस पॉइंट का नाम ए दे दिया और लोग सप्लाई कितना कर रहे हैं बी। इसका मतलब है क्वांटिटी विच कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाई, दैट इज अगर मैं यहां से बोलूं, इसको आप नीचे भी उतार के क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सोचो ये रहा और ये रहा, आप यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2 वर्ड लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बोल सकते हैं एट P1, एट P1, एट प्राइस P1, आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास डिमांड कितने का है, डिमांड है सर OQ1 का, और सेलर बेचना कितना चाहते हैं OQ2, यानी कि सर खरीदने लोग इतना चाहते हैं और लोग बेचना कितना चाहते हैं इतना। इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक की जो लाइन है मींस Q1 Q2 वो एक्सेस सप्लाई को डिनोट कर रहा है। देखो आप कि सप्लाई ज्यादा है, कितना से ज्यादा है Q1 Q2, तो ये जो रीजन होता है वो एक्सेस सप्लाई का होता है। अब आप मेरे को बात बताओ, जब भी आप मार्केट में ऐसा सिचुएशन देखेंगे जहां पे लोग खरीदना कम चाहते हैं लेकिन लोग बेचना ज्यादा चाहते हैं, मींस सेलर बेचना ज्यादा चाहते हैं कस्टमर खरीदना कम चाहता है, तो जब भी सेलर ऐसा सिचुएशन में आ जाता है कि कस्टमर ज्यादा नहीं खरीद रहे हैं, तो फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द कंज्यूमर सेलर क्या करता है, प्राइस को फॉल कराता है। तो प्राइस को क्या करेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट कराएगा, ताकि क्या होगा कस्टमर थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और हमारे सामान को खरीदने आएंगे। इसका मतलब है अगर मार्केट में प्राइस P1 चल रहा है उसको नीचे की तरफ जाना ही पड़ेगा टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर, क्योंकि इस प्राइस पे मार्केट में कभी भी इक्वलिटी नहीं आने वाली। अब सपोज करो ऐसा हुआ कि हमने प्राइस P2 रख लिया जो इक्विलिब्रियम प्राइस के भी नीचे है, वहां पे क्या सिचुएशन आएगी। अगर आप देखोगे सिचुएशन वहां पे ये आ रही है, हम इसको नीचे ले जाते हैं Q3 नाम दे देते हैं, इसको हम Q4 नाम दे देते हैं। सोचो इसका नाम C हो गया, इसका नाम D हो गया, कि जैसे ये तो कॉमन सेंस की बात है, जैसे ही प्राइस ज्यादा फॉल करेगा तो हमारी सप्लाई कम होगी, तो हम कितना सप्लाई कर रहे हैं सर। तो देखो आप लिखोगे एट प्राइस OP2, एट प्राइस P2 लिख दो, कोई बात नहीं है। आप क्या देख रहे हैं, डिमांड कितना हो रहा है सर, डिमांड तो बहुत ज्यादा हो रहा है और सप्लाई बहुत कम, डिमांड हो रहा है OQ4 और सप्लाई है OQ3, मतलब सप्लाई सिर्फ इतना है डिमांड इतना है, मीन्स बेचने वाले लोग सिर्फ इतने हैं, बेचने वाले लोग सिर्फ इतने हैं और खरीदने वाले लोग इतने हैं, मीन्स ये जो है वो एक्सेस का रीजन है, और इस बार एक्सेस क्या है सर, एक्सेस डिमांड है, मतलब लोग ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा फॉल कर गया। इसका मतलब एक्सेस डिमांड कितना हो रहा है Q3 Q4, एक्सेस डिमांड कितना हो रहा है Q3 Q4। तो जब भी आप मार्केट में देखते हैं खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं और बेचने वाले लोग कम हैं, मतलब क्वांटिटी ऑफर्ड इज लेस देन द क्वांटिटी वांट टू बाय, कंज्यूमर वांट टू बाय, तो क्या होगा, प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा, एक अपवर्ड प्रेशर आएगा, और मार्केट में प्राइस जैसे ही ऊपर जाएगा लोग कम खरीदना चाहेंगे। तो इस सिचुएशन में हमने क्या देखा कि प्राइस अगर ज्यादा कर देंगे तो भी वो फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, प्राइस बहुत ज़्यादा कम कर देंगे वो भी फेवरेबल नहीं है, कि दोनों में ही कभी ना कभी एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई आपको वॉच करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा है, पी, पी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ ना तो एक्सेस डिमांड है ना एक्सेस सप्लाई है, बोथ बायर एंड सेलर आर सेटिस्फाइड विद दिस प्राइस एंड दिस क्वांटिटी। तो ये एक बेसिक सा चीज़ था इस क्लास में जो मैंने आपको सिखाया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चार इंपॉर्टेंट ग्राफ सिखाऊंगा, और ये एक बेसिक चीज है, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है। तो लेट्स जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक जिससे आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए, और नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कशन करूंगा।